क्या हुआ मामा? अरे कुछ नहीं, वो ड्रेस छोटी है, श्रिंक हो गया ना, इसलिए फिट नहीं आ रहा। लेकिन बच्चे बाहर जोकर के इंतजार में हैं। अब क्या होगा? मैं बनूंगा जोकर। ये ड्रेस आप मुझे दे दीजिए, आराम से फिट आ जाएगी। लेकिन मामा प्रॉमिस कीजिए, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे कि जोकर मैं बना। ये सरप्राइज देने के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है ठीक है, प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस। ये लो। गिन्नी, माता रानी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। गिन्नी हमेशा हंसती खेलती रहना। इजाब, कबीर कहाँ है? गिन्नी सब लोग आ गए हो? मैं सबकी फोटो खींचूंगी। कबीर कहाँ है? इजाब, पता नहीं वो कहाँ है। हम लोग मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, वो बीच में से पता नहीं कहाँ चला गया। गुरु कहाँ है? उसे तो अब तक यहाँ होना चाहिए था ना। इजाब मैं एक बार फिर से देख के आता हूँ। जोकर क्यों नहीं आया? ताऊ जी उन्हें लाने गए, अब भी आ जाए। मम्मी, अभी तक जोकर क्यों नहीं आया? मेरे सारे फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे बस आता ही होगा। इजा ये पुरु फोन नहीं उठा रहे, कदा एक नंबर का लापरवाह नहीं है, सारा प्लान खराब कर देगा ये। क्या हुआ, कहाँ है वो? इजा Oh,
आप यहाँ हैं तो जोकर कौन बना है? अरे वो अपना एक्चुअल में अपना वेटर ना होटल का वो बना है। है ना दीदी, अपने घर की पार्टी है, खाने में कोई कमी ना रहे इसलिए देखने आया हूँ। अब मैं देख के आता हूँ। बच्चे सब कितने खुश लग रहे हैं ना। हाँ सच्ची। और मामा जी सब बच्चों को कितना हंसा रहे हैं। अरे ये भानु, ये हाँ वो कितना हंसा रहे हैं सबको, बच्चों को कितना खुश कर रहे हैं। मुझे ना भूख लग रही है, चलें खाना खाने। चलिए। अरे बच्चा ईजा, ईजा कबीर कहीं नहीं दिख रहा है। दोनों में से किसी ने देखा है कि कबीर कहाँ है? अरे हाँ वो तो मतलब यही कहीं होगा ना। भूख लगी है, चले। अब इजा मैं वहां ढूंढ के आता हूँ। भैया दीदी, वो कबीर को गिनी को सरप्राइज देना था और मुझे प्रॉमिस लिया था एक्चुअल में। रणवीर पुरु को जाकर बताओ कि कबीर जोकर बना है और उसे जोकर को मारना है। ईजा मैं आपसे कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुरु अपना फोन नहीं उठा रहा है। फोन नहीं उठा रहा? तो जाओ ढूंढो उसे। ईजा मैं चारों तरफ उसे ढूंढ के आया हूँ, वो मुझे नहीं मिला तब मैं आपके पास आया हूँ। रणवीर कैसे बातें कर रहे हैं आप? यही कहीं होगा, वो कहाँ जाएगा? किचन में देख लीजिए, घर में ही होगा ना। मुफ्त का खाना मिल रहा होगा तो छप्पन भोग लगा रहा होगा वहां पर। मुझे कुछ सुनना नहीं है रणवीर, आप उसे ढूंढ लाइए। देखिए कबीर अभी ऊपर गया है, किसी भी समय नीचे आ सकता है। मैं ये चाहती हूँ कि जब केक काटने के लिए लाइट्स ऑफ हो तब पूरा अपना काम करे, निकल जाए। समझ गए आप?
ठीक है जा। इस बार गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये मौका हाथ से गया तो पता नहीं कब आएगा। कबीर को आज ही मारना जरूरी है। इन्हें बेटा आंखें खोलो। पापा जोकर ड्रेस उतारी। किन्नी तुम मुझे पापा जोकर वाली ड्रेस अभी उतारी अभी। ठीक है मैं अभी उतार गया। ये देखो गिनी मैंने जोकर की ड्रेस उतार दी। अब तो ठीक है। थैंक यू पापा। अच्छा चलो चलकर बर्थडे पार्टी में मजा करते। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। केक भी तो काटना है। चलें।